स्पॉट इनको कोई नहीं कर रहा है, बुरा का बुरा स्मोक वॉल बढ़िया तरीके से कामयाबी यहाँ पे हासिल कराएगा, लेकिन जस्ट लगा दिस प्लेयर थ्री की ब्रेड यहाँ पर टॉम को टेक डाउन कर देंगे, रेकनिंग प्लेयर फोर ही इज जस्ट वेटिंग, अभी टीम्स को आगे बढ़ने का मौका देंगे एंड देन उसके बाद शॉट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से शॉट रहते हैं माइट अपनी लोकेशन रिवील कर देंगे, जस्ट लुक एट द ट्रिगर डिसिप्लिन दिस गाय इज होल्डिंग, क्योंकि हर एक चीज इनकी नजरों के सामने हो रही है, बट स्टिल यहाँ पर शॉट्स वो नहीं जा रहे इस प्लेयर की तरफ से। जी बिल्कुल, रेकनिंग काफी सतर्क होकर खेल रही है, काफी संभल कर खेल रही है, उन्हें पता है यहां से एक बुलेट उन्होंने फायर की और उनकी पोजीशन वहां रिवील, तो इस बात का अंदाजा काफी अच्छी तरीके से, बट टीम एक्सो जो कि अपने चार प्लेयर्स के साथ देखने को मिल रहे थे अब बचे हैं मात्र दो खिलाड़ियों के साथ, अब बचे हुए दो खिलाड़ी यहां से फियर्स और पंक किस तरीके से खेलते हैं ये देखना पड़ेगा। टीम एक्सपा के 420 ओपी अपने आप को आगे लेकर आएंगे, वहीं रेकनिंग के खिलाड़ियों के द्वारा एक शानदार ग्रेनेड जाएगा सीधा एक्सो के ऊपर, वहां पंक तो नॉक किया जा चुका है और लीजिए प्लेयर ट्वेल के द्वारा वहां फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा, तो एक और टीम ऑलमोस्ट एलिमिनेशन के कगार पर नजर आ रही है, क्योंकि उनके टीम से बचे हैं एक लौते सर्वाइविंग प्लेयर फियर्स जिनका हेलमेट ऑलरेडी डैमेज है, हेल्थ लो हो रही है, ब्लू जोन के कारण खड़े होंगे, सीधा अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर जाकर प्रोन करेंगे और यही इनके पास एक लौता चारा देखने को मिलेगा। 420 ओपी प्रोन है और अगर यहां फियर्स को स्पॉट करने में कामयाब हुए आखिरी प्लेयर है फियर्स, यहां से टीम एक्सो एलिमिनेट होती हुई हमें नजर आएगी बिल्कुल तीसरे पोजीशन पर, #3 पर और एलिमिनेशन बिल्कुल हो भी चुका है। जी हाँ बिल्कुल, अब जो नंबर्स एडवांटेज एक्सो के पास थी वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन टीएक्स दे आर हैविंग द नंबर्स एडवांटेज।